Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to talk about health, as we already discussed about education. In education, we talked about that how education help people to improving their quality. Now today we are going to talk about health, and in this health, the first thing we will talk about that what is the definition of health. So health is the state of being free from any type of physical and mental illness, right? कि किसी भी तरह का ना तो कोई physical illness हो या ना ही किसी तरह का mental illness हो, उसको हम क्या कहते हैं? Health कहते हैं. So all the people nowadays want to be a healthy. ठीक है, हर एक लोग क्या चाहते हैं कि वो healthy हो. तो question ये है कि what is the importance of health? What is the importance of health in human life? How it helps in human resource formation? कैसे ये human resource को बनाता है एक अच्छा health? तो अगर इसका answer आप देखो, as already you know that a person can work efficiently only if he has good health. ठीक है, एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छे तरीके से वो काम कर पाए, उसके लिए good health बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना? दूसरा, लोगों का अगर अच्छा हेल्थ होगा तो उसकी जो पोटेंशियल है, राइट, जो काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी. तीसरा, एक इंसान का अगर हेल्थ अच्छा होगा तो उसकी जो एज है वो ज्यादा होगी, राइट और नॉट? एक अच्छा हेल्थ वाला इंसान एटलीस्ट 80 इयर्स लाइफ होती है उनकी, राइट? तो 80 साल जीने वाला आदमी ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा काम करेगा, राइट और नॉट? सो नाउअडेज द प्राइस ऑफ पीपल्स लाइफ इज वेरी मच हाई, राइट और नॉट? ये काफी ज्यादा लाइफ जो होता है वो काफी प्रेशियस होता है. दैट्स व्हाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर वन ह्यूमन बीइंग. ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन मेजर दैट हमारा जो कंट्री में जो हेल्थ का पोजीशन है वो कैसा है, राइट? वो हमें कैसे पता चलेगा, राइट? तो हमें इस बात से पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों के हेल्थ को वो कैसे अच्छा कर रही है. ये अगर हमें पता चले तो हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्री का हेल्थ कंडीशन ठीक है. तो आज की रेट में इंडिया की अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास कई सारे हॉस्पिटल्स हैं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, एज वेल एज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हमारे पास हैं कई सारे बड़े बड़े शहर में, राइट? दूसरा, गवर्नमेंट ने कई सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे पल्स पोलियो का नाम सुना होगा, पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चे को, है ना? कई सारे अलग अलग टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है बच्चे को, कई सारे वैक्सीन दिए जाते हैं बचपन में ताकि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी रहे. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, आज की डेट में ये इंक्रेज किया जा रहा है कि जो बेबी होता है, चाइल्ड का जो बर्थ होता है वो कहाँ पर हो? हॉस्पिटल में हो, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, राइट? ताकि अगर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो उस बच्चे को और उसकी माँ को बचाया जा सके, राइट? तो आज की डेट में ज्यादातर ज्यादा कहाँ पर होते हैं बच्चे? हॉस्पिटल्स में होते हैं. इसके लिए सरकार क्या कर रही है, बदले में हर एक वुमेन को जो बच्चे जन्म देती है उसको 6,000 रुपीज देते हैं गवर्नमेंट, राइट? ठीक है, तो इतना पैसा क्यों दिया जाता है? ताकि जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर, जो मदर है उसका जो बच्चे का जो जन्म हो वो कहाँ पर हो? हॉस्पिटल में हो, राइट? देन इसके अलावा वुमेन को कई सारे मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं. जैसे ही वुमेन एक माँ बन जाती है तो उसके बच्चे के लिए कई सारे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराया जाता है फॉर द पुअर वुमेन, राइट? बच्चे के लिए भी और वुमेन के लिए, मदर के लिए भी, राइट? सो कई सारे इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही जो उसकी मदर है उसको भी कुछ न्यूट्रिशियस फूड दिए जाते हैं, राइट? कई सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे कंट्री में जो चाइल्ड केयर करते हैं, ठीक है, कैसे बच्चे को खाना खिलाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड देते हैं. इसके अलावा हमारे स्कूल्स में भी मिड डे मील दिया गया है ताकि बच्चे का हेल्थ अच्छा रह सके, राइट?
हेल्थ डिपार्टमेंट कई सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, राइट ना। बीच बीच में आपने सुना होगा कई सारे लोग माइक लेके बोलते हैं कि आपको साफ सफाई से रहना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, है ना। तो ये सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल, राइट। सो हम नेक्स्ट आते हैं, वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट दैट हाउ वी विल नो दैट कि हमारे कंट्री का जो हेल्थ है वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, हमारे कंट्री ने कई सारे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, एवरेज एज जो है लोगों की वो कितनी हो गई, लगभग 68 ईयर्स हो गए 2014 में। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं कि एक बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे एक साल के अंदर विद इन वन ईयर्स, राइट, ठीक है, मर जाते हैं, राइट, उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, राइट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज द डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो वन ईयर ऑफ एज, राइट। बर्थ रेट किसको बोलते हैं, द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 1000 लोगों में कितने बच्चे ने जन्म लिया, इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं, राइट। देन डेथ रेट किसको बोलते हैं, 1000 लोगों में कितने लोग मर गए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, चाहे वो पीरियड एक साल का हो, 6 महीने का हो, जो भी हम पीरियड ऑफ टाइम लेंगे, उसमें से 1000 लोगों में से कितने लोग मर गए, राइट, या फिर 1000 लोगों में से कितने बच्चे ने जन्म लिया, उसको हम बर्थ रेट और डेथ रेट बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो हमारे कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना हो गया है, कम डाउन फ्रॉम 147 टू 34 इन 2016, राइट। तो सोचो 1951 में जो है 1000 बच्चे में से, राइट, 147 बच्चे मर जाते थे, अभी जो है हमारे कंट्री में 1000 बच्चे का जन्म होता है तो ओनली 34 बच्चे मरते हैं, राइट, तो ये काफी ज्यादा कम हो गया है, राइट। देन हमारे कंट्री में जो बर्थ रेट है, राइट, वो काफी ज्यादा घट गया है, राइट, क्रूड बर्थ रेट हैव बीन ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो 1951 से 2016 में जो हमारा बर्थ रेट भी घट गया है और डेथ रेट भी काफी ज्यादा घट गया है ना। देन सो चूंकि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आपके कई सारे बच्चे को जो है डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज दिए जाते हैं, आपके स्कूल्स में भी कई बार डॉक्टर्स आते हैं चेकअप करने के लिए, है ना। तो बच्चे का वेट चेक किया जा रहा है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उनको इम्यूनाइज किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक टेबल दिया हुआ है नीचे, इस टेबल को आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट, और पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ डिस्पेंसरीज ऑफ फ्रॉम 1951 टू 2015, इतने दिनों में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ डिस्पेंसरीज में, क्लिनिक्स में। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल होम फ्रॉम 1951 टू 2015, राइट। सो यू शुड लुक एट दिस, राइट, एंड आंसर इट। यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारा हॉस्पिटल्स का नंबर है, राइट, 2013 में और 2017 में, राइट, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, सॉरी, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस है, राइट, प्राइमरी लेवल मतलब विलेज लेवल पे जो होते हैं, ये हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो थोड़ा बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट, ये कितने थे 2013 में और 2017 में कितना हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं, बेड्स मतलब जहाँ पर कि भर्ती लिया जाता है पेशेंट्स को, हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, वो कितना था पहले, अभी कितना हुआ है ना। जो हमारे कंट्री में डॉक्टर्स का नंबर है वो कितना था पहले 2013 में, अभी कितना हुआ है, राइट।
So you can look at all this data, right? Nursing personnel कितने थे 2013 में, अभी कितने हैं, right? So these are the number, you read about it, right? And then answer this question. Do you think the increase in the number of doctors and nurses is adequate for India? If not, why? Reason लिखना है. क्या आपको लगता है कि जो number of doctors बढ़े हैं और nurses के जो number बढ़े हैं क्या वो sufficient है? Right? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? What other facility would you like to provide in hospital? Hospital में और क्या क्या facility आप provide कराना चाहोगे? Discuss about the hospital you have visited. जो जो hospital आप visit किए हो उसके बारे में आप discuss करो. वहाँ का condition कैसा है? किस तरह की facilities वहाँ पर मिल रही है लोगों को? Can you draw a graph using this table? There are many places in India. Sorry. आपको क्या करना है यहाँ पर? Graph draw करना है इस table को देख. सो ये एक्टिविटी दिया हुआ है, राइट, कि आपको एक यहाँ जाना है, एक हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाके ये सारे क्वेश्चन को आंसर करना है, हॉस्पिटल में देखना है आप, राइट. जब सब कुछ ठीक हो जाए तो यू कैन विजिट द हॉस्पिटल. कितने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, कितने नर्सेस हैं वहां पर, राइट, ठीक है. इसके अलावा और क्या क्या अलग इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कलेक्ट करना है वहां से, ठीक है. सो दीज आर द एक्टिविटीज. Coming to the next topic, it is about unemployment. Unemployment का मतलब simple सा होता है जिसको कोई काम नहीं मिलता है, right or not? जो बेरोजगार होते हैं, है ना, हिंदी में ये word है. जो लोग बेरोजगार होते हैं उसको हम unemployed people बोलते हैं, right? अब question आता है, एक कहानी से समझते हैं. इसके पहले भी मैंने वो कहानी को discuss किया है, एक बार फिर से देखते हैं उस कहानी को, right? हम बेरोजगार इंसान किसको बोलेंगे? यहाँ पर देखो ये स्टोरी ऑफ सकल है. सकल की जो स्टोरी है, दो फ्रेंड सकल और बिलास की जो स्टोरी थी जिसमें मैंने सकल के बारे में बात किया था, ठीक है. सकल की जो मदर थी जिसका नाम शीला था, राइट, वो घर के देखभाल करती थी, घर का काम करती थी, राइट. वो कहीं बाहर कमाने के लिए नहीं जाती थी, घर में ही काम करती थी. सकल भी उसको काम हेल्प करता था, मदर को हेल्प करता था काम में. तो क्या हम शीला जो कि घर में काम करती है, राइट, बेरोजगार है, इसको कोई काम नहीं है बाहर, ये पैसे अर्न नहीं कर रही है, क्या हम इसको अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं? शीला को अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि शीला नहीं चाहती है कि वो बाहर जाके काम करे, ठीक है. शीला सी डू नॉट वॉन्ट टू गो आउटसाइड फॉर वर्क, राइट. वो क्या कर रही है? अपने घर में ही काम कर रही है, ठीक है. हम शीला को अनएम्प्लॉयड तब बोलेंगे जब शीला ये चाहेगी कि हम क्या करेंगे, मैं काम करना चाहती हूँ बाहर, और फिर उसको काम नहीं मिले, तब हम शीला को क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, राइट और नॉट. अब इसी सकल के घर में देखो, सकल का जो छोटा भाई है और छोटी बहन है, जीतू और सीतू, उसकी छोटे भाई एंड बहन है, राइट. तो क्या ये छोटे भाई बहन भी अनएम्प्लॉयड है? क्या हम इसको अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि दे आर टू लिटिल टू वर्क, राइट और नॉट. वो काफी छोटे हैं, वो काम नहीं कर सकते बाहर जाके, पैसे नहीं कमा सकते, तो हम इसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे. इट मीन्स दैट अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयड का डेफिनेशन क्या है? देखो यहाँ पर हम वापस से आते हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है When people are willing to work, अगर कोई काम करना चाहता है पैसे के लिए, on the going wage, जितना पैसा मिल रहा है एक काम के, लेबर के लिए अगर 500 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये में अगर कोई काम करने के लिए तैयार है लेबर का, और फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, या अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, राइट. सो वेन पीपल आर विलिंग टू, उसको काम चाहिए, वो काम करना चाहता है, और उसके बाद भी उसको काम नहीं मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट और नॉट. तो इसमें बच्चे नहीं आते, चिल्ड्रन नहीं आते. चिल्ड्रन क्यों नहीं आते? क्योंकि चिल्ड्रन छोटे होते हैं, राइट और नॉट. बच्चे छोटे होते हैं, वो काम नहीं कर सकते, राइट और नॉट. सो ऑल दोस पीपल हु आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज, राइट, और उसको अगर ठीक से काम नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे. देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो हमें हर एक जगह देखने को मिलता है, चाहे वो शहर हो या गाँव हो. ये अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके के होते हैं. पहला होता है सीजनल,
और दूसरा होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? देखो, कुछ लोग होते हैं जिसको कि कुछ सीजन में ही काम मिलता है, ठीक है, जैसे फार्मर्स, फार्मर्स को पूरे साल काम नहीं होता। कैसे? फार्मर्स को काम कब होता है? जब बारिश होती है, जब मानसून सीजन आता है, तो खेत में क्या करना पड़ता है, सीड्स बोना पड़ता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। लेकिन जब ये सारा काम हो जाता है, सोइंग ऑफ सीड जब हो जाता है, तो उसके बाद दो तीन चार महीने लगते हैं किस चीज में, ग्रो होने में, क्रॉप्स को ग्रो होने में समय लगता है। तो उस बीच में ये जो फार्मर्स होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता। तो कैन वी से दैट दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स में से फार्मर्स 4 महीने उनको काम मिलता है ना, और बाकी के जो 8 महीने है वो काम नहीं मिलता उसको, या फिर मान लेते हैं 8 महीने काम मिलता है, बीच में 4 महीने का काम नहीं मिलता है। कैन वी से दैट ही दे आर सीजनली अनएम्प्लॉयड, कुछ सीजन में उसको काम नहीं मिल रहा है, राइट। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। When people are not able to find jobs during some months of the year is called seasonal unemployment. Example है farmers, casual laborers, कुछ casual laborers हैं जो कि बारिश के मौसम में buildings नहीं बनते हैं, तो वो लोग काम नहीं मिलता है उन लोगों को। कुछ tourist guide होते हैं, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाओगे, जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे tourist guide हैं, ठीक है, जिसको कि काम कब मिलता है, during the समर सीजन, क्योंकि समर के समय में ज्यादातर लोग कहाँ जाना चाहते हैं, ठंडे जगह पर जाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राइट। तो समर के समय में इस टूरिस्ट गाइड को काम मिलता है, लेकिन जब पूरी ठंडी होती है, जब विंटर का टाइम होता है, तो उस समय कोई टूरिस्ट वहां पर जाता नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं जाता है, तो उनको काम नहीं मिलता है ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये भी क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसी तरह दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, देखो इसके बारे में, सो बेसिकली व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा, जब भी आप कभी अगर गांव विजिट किए होंगे, आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, कि एक छोटा सा लैंड एरिया है, राइट, जो कि एक स्मॉल फार्मर, किसी एक फार्मर का है, रमेश का है, ठीक है, ये रमेश का ये लैंड है, और रमेश की फैमिली में 5 लोग रहते हैं, राइट, 5 लोग, रमेश, उसकी वाइफ, उसके 2 बेटे और 1 बहन, राइट, ठीक है। सो रमेश, रमेश की वाइफ, उसके 2 बेटे और 1 बहन, 5 फैमिली मेंबर हैं, राइट। और ये 5ों लोग इसी छोटे से प्लॉट में जाके काम करते हैं, राइट। ये जो प्लॉट है ये काफी छोटा है, 1 एकर का प्लॉट है। इस पूरे प्लॉट को कल्टीवेट करने के लिए 2 लोग काफी हैं, है ना, 2 लोग काफी हैं। 2 लोग अगर इस प्लॉट पे काम करेंगे तो आराम से इस पर कल्टीवेशन भी करेंगे, प्लॉइंग भी करेंगे, है ना, हार्वेस्ट भी करेंगे, 2 लोग ही ये काम कर सकता है। लेकिन चूंकि घर में 5 लोग हैं, 3 लोगों को कोई काम नहीं है, तो ये 5ों लोग कहाँ चले आते हैं, फील्ड में चले आते हैं, और सभी लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो हमें दूर से देखने में क्या लग रहा है कि 5ों लोग काम कर रहे हैं, सभी को काम मिल रहा है, राइट और नॉट। लेकिन क्या ऐसा है, इज इट सो? नहीं, यहाँ पर 3 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, हमें क्या लग रहा है कि 5ों लोग काम कर रहे हैं, राइट और नॉट। अगर हम 3 लोग को बाहर भी निकाल दें इस फील्ड से, तो फिर भी उतना काम हो जाएगा जितना काम होना चाहिए, 2 लोग ही उतना काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 लोग मिलकर, राइट। सो व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल आर वर्किंग, लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन लेस देन देयर पोटेंशियल, जितना उसका क्षमता है, जितना उसकी कैपेसिटी है, उससे कम काम कर रहे हैं, राइट। इन दिस केस पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, इस केस में कैसा लगता है कि लोग को काम मिल रहा है, ऐसा आपको देखने में लगेगा, लेकिन एक्चुअली they are not employed, right? Example मैंने बताया अभी, कई सारे family members हैं farmers के जो काम करते हैं छोटे से land के ऊपर, right? इसके अलावा दूसरा example है, कई सारे educated people underemployed होते हैं, ठीक है? For example कि किसी ने master degree किया हुआ है, master in science किया हुआ है, और वो कहाँ पर job कर रहा है, call center में job कर रहा है,
राइट और नॉट, कॉल सेंटर में उसको कितना पैसे मिल रहा है, 5,000 रुपीज मिल रहा है या फिर 10,000 रुपीज मिल रहा है. डू यू थिंक दैट वन पर्सन हु डिड हिज एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इज ओनली एबल टू अर्न 5,000 to 10,000 rupees? नो, उसके पास और ज्यादा पोटेंशियलिटी है, उसके पास और ज्यादा क्षमता है, लेकिन फिर भी वो कम पैसे कमा रहा है. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये एम्प्लॉयड तो है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड है? नहीं, वो एम्प्लॉयड है लेकिन अपने पोटेंशियल से वो कम काम कर रहा है ना. सो दिस इज टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखो नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर हमारी कंट्री में ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहला तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ये क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चाहे जो भी रीजन हो, चाहे उसके पास एजुकेशन ना हो या फिर कोई स्किल्स ना हो, इसकी वजह से क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है. दूसरा, कई सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, उसका मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब होता है, काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में होता है ना. दे आर ऑलवेज फीलिंग दैट ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट और नॉट. नेक्स्ट, दीज अनएम्प्लॉयड पीपल बिकम्स लायबिलिटी फॉर फैमिली एंड नेशन. ठीक है, ये लोग क्या हो जाते हैं, जो अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा तो ही बिकम्स लायबिलिटी. ठीक है, जहां पर कि उसको एसेट बनना चाहिए, जहां पर कि उसको पैसे अर्न करने चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वहां पर वो क्या हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर बोझ बन जाते हैं, राइट और नॉट. दूसरे से पैसे लेकर के अपना खर्चा चलाते हैं या फिर जो भी है, राइट. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कई सारे यूथ जो है वो क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं, राइट. अगर पैसे नहीं अर्न करेंगे तो उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी अफेक्ट होगी, वो अच्छे से जी नहीं पाएंगे, उसको अच्छा कपड़ा नहीं मिल पाएगा, उसको अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा, राइट और नॉट. ठीक है, सो दिस इज हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्टेड द पीपल. अगर हम इंडिया का बात करें तो हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, राइट, वो क्या है, कम है. लेकिन कम क्यों है, वाई इट इज लो, बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, रिप्रेजेंटेटेड विथ लो इनकम. लो इनकम मतलब दे आर अंडर एम्प्लॉयड. दे आर अंडर एम्प्लॉयड का मतलब कि हमें लगता है कि वो काम कर रहा है लेकिन वो अपने पोटेंशियलिटी से बहुत कम काम कर रहे होते हैं, राइट. लेकिन फिर भी हम उसको किस में काउंट करते हैं, एम्प्लॉयड पीपल में, ठीक है. अब देखो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि एमएससी करके, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद वो 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं, राइट, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे ही बैठे जाए, बेकार बैठा जाए, राइट और नॉट. उसको जो काम मिलता है, चूंकि काम करने की काम का अभाव है, लोगों के पास काम नहीं है, इसकी वजह से उनको जो काम मिलता है वो काम करना शुरू कर देते हैं. एक और प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, कई बार आपने देखा होगा कि आज की डेट में एजुकेटेड पीपल, कई सारे एजुकेटेड पीपल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, राइट, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया और उसको जॉब नहीं मिली कहीं पर, ठीक है, देन वो जाके फार्म में भी काम नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, क्योंकि लोगों का प्रेस्टीज का सवाल हो जाता है कि हम, मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं जाके खेत में काम करूंगा, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में आप देखो कि कई सारे एजुकेटेड पीपल भी आज की डेट में बेरोजगार बैठे हैं, उनको कोई काम जॉब नहीं मिल पाता है. अब रीजन जो भी हो, उसके पास हो सकता है स्किल्स ना हो या फिर जॉब्स की कमी हो, जिस वजह से भी उनको काम नहीं मिलता है, वो घर में बैठे रहते हैं एजुकेशन होने के बाद भी. एंड आफ्टर गेटिंग एजुकेशन ही इज नॉट एबल टू वर्क इन फार्मलैंड ऑल्सो, क्योंकि उसने कभी खेती सीखी नहीं, फार्मिंग करने आता नहीं है, राइट और नॉट. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी. अब देखो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स की वजह से अलग अलग नया नया जॉब क्रिएट होता है और लोग किस तरह हैप्पीली रहते हैं. तो ये स्टोरी हम देखते हैं थोड़ा. ये एक स्टोरी है एक विलेज की, जहां पर कि कई सारे परिवार रहते हैं. हर एक परिवार के पास इनफ प्रोडक्शन होता है,
ऑमलेट से काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है, सभी लोग अपने फैमिली मेंबर को आसानी से खाना खिलाते हैं, राइट और नो? ये लोग खुद से क्लॉथ्स बनाते हैं, राइट, और खुद से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना? तो यहाँ ये जो विलेज है काफी ज्यादा खुशहाल विलेज है, सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं, राइट। एक दिन क्या हुआ, वन फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चरल कॉलेज। एक फैमिली, उसी वही गांव की एक फैमिली थी, उसने क्या सोचा, एक फार्मर ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कहाँ भेजूंगा, एग्रीकल्चरल कॉलेज में भेजूंगा पढ़ाई करने के लिए, राइट। सो वो लड़का अपने बेटे सॉरी वो लड़का एडमिशन ले लिया कॉलेज में। एडमिशन लेने के बाद वो काफी अच्छा एक मेरिटियस स्टूडेंट था, और वो काफी अच्छा एजुकेशन लेने के बाद ही बिकम अ एग्रो इंजीनियर, वो एक अच्छा एग्रो इंजीनियर बन गया। जब वो वापस गांव लौटा तो उसने क्या किया, नए नए तरीके बताए फार्मर्स को, अपने गांव के फार्मर्स को, कि किस तरह से प्रोडक्शन को हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही ये तरीका बताया उन्होंने फार्मर्स को, तो जो फैमिलीज थी विलेज के, सभी का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। गांव में जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। अब जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो उनके पास सरप्लस ग्रेन्स होंगे, राइट, वो क्या करने लगे, वो नेबरिंग विलेज में जाके सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो गांव के सभी लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो गया, लोगों को थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, गांव के लोगों ने भी अपने हर एक गांव के लोगों ने अपने अपने बच्चे को क्या करना शुरू किया, पढ़ने के लिए, राइट, बाहर भेजना चाहते थे। कुछ लोगों ने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पर अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए स्कूल खोल लें, हम अपने गांव में ही, राइट और नॉट। तो उन्होंने क्या किया, सभी फैमिली ने मिलके अपने पंचायत में जाके रिक्वेस्ट किया कि हमारे हमारे गांव में भी एक स्कूल खुलना चाहिए, राइट। तो पंचायत ने क्या कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे। सो लोगों की कोशिश की वजह से क्या हुआ, गांव में एक स्कूल खुल गया, राइट, और बच्चे क्या करने लगे, स्कूल जाने लगे, राइट और नॉट, ठीक है। उस स्कूल में पास के ही एक शहर से एक टीचर को रिक्रूट किया गया, वहां पर वो टीचर पढ़ाते थे, राइट, और बच्चे स्कूल जाने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे भी पढ़ाई करने लगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक फैमिली में से एक फार्मर ने क्या किया, अपनी बेटी को, राइट, अपने डॉटर को क्या किया, टेलरिंग का ट्रेनिंग देने के लिए भेजा। टेलरिंग यू नो, क्लॉथ को स्टिच करने का, राइट। तो वो उसकी जो डॉटर थी वो स्टिचिंग करना सीख गई, राइट। स्टिचिंग करना सीख गई तो क्या हो गया, अब जो गांव के लोग थे जो कि शहर जाते थे अपने कपड़े को स्टिच कराने के लिए, अब वो कपड़े लेके कहाँ आने लगे, उसके उस लड़की के पास आने लगे, राइट और नॉट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक नया जॉब मिल गया, ठीक है। ये लड़की को जॉब क्यों मिला, क्योंकि उसने टेलरिंग सीखा, अगर वो टेलरिंग नहीं सीखती तो क्या उसको जॉब मिलता, नहीं। सो द गर्ल गॉट द एजुकेशन ऑफ टेलरिंग, राइट। देन इससे क्या हुआ, इससे और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अब जब देखो दूसरा क्या फायदा हुआ इससे, अब जो है लोग पहले कपड़े खरीदने के लिए कहाँ जाते थे, टाउन से जाते थे, है ना, कपड़े को स्टिच कराने टाउन से जाते थे, इसमें काफी समय बर्बाद होता था। तो अब वो क्या करने लगे, गांव में ही कपड़े सिलवाने लगे, तो इससे उसका समय बच गया। जो समय बचा वही समय को वो लोग कहाँ पर देते थे, फील्ड में देते थे, मतलब फार्म लैंड में अपना समय देते थे। इससे क्या हुआ, जो फार्म लैंड है उसका यील्ड बढ़ गया, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, राइट, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां के फार्मर्स प्रॉस्परस होने लगे, काफी ज्यादा धीरे धीरे ज्यादा पैसा अर्न करने लगे, राइट। अब जब ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं तो वो ज्यादा कंज्यूम भी करेंगे, कुछ ज्यादा पैसा मतलब अच्छे अच्छे चीजों में खर्चा करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, राइट और नॉट, बच्चे को अच्छी जगह पर स्कूल पढ़ने जाएंगे, राइट और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि वो क्या करने लगे, अपने सारे प्रोडक्ट को भी मार्केट में सेल करने लगे, ठीक है। अब जब वो मार्केट में सेल करने जाते थे तो उससे भी कई सारे जॉब्स क्रिएट हुए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक फैमिली को क्या करना है कि अब जो सरप्लस प्रोडक्ट है वीट को बेचने के लिए मार्केट जाना है, वीट को लेके मार्केट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कार्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी एक
अपना एक कार्ट खरीद लिया हो, उस कार्ट के लिए रेंट लेते हो, ठीक है, कि मैं आपको मार्केट पहुंचा दूंगा, आपको मुझे 50 रुपए देने होंगे, 50 रुपीज देने होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्ट ड्राइवर का भी जॉब क्रिएट हुआ, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस गांव में कई सारे नए नए जॉब्स मिलने शुरू हो गए, जैसे टीचर्स हो गया, ट्रेलर हो गया, राइट और नॉट, एग्रो इंजीनियर हो गया, राइट और नॉट, ड्राइवर्स का जॉब हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल वहां पर फॉर्म होना शुरू हुआ, है ना। तो देखो कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले वो लड़का गया इंजीनियरिंग करने के लिए, है ना, वो लड़की टेलरिंग सीखने के लिए गई, ठीक है, फार्मर्स का इनकम इंक्रीज हुआ, मार्केट में वो जब सेल करने जा रहे थे तो ड्राइवर का नौकरी क्रिएट हुआ। तो इस तरह से जब हम ह्यूमन रिसोर्स में स्पेंड करते हैं, उसको स्किल्स देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है, और हमारे कंट्री का ओवरऑल जो हमारे कंट्री का इनकम होता है वो भी इंक्रीज होता है, राइट। सो आई होप कि इस चैप्टर में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स हेल्पफुल है, राइट, और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, राइट डाउन ऑल द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज, राइट, ऑल द क्वेश्चंस रिटन इन एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।